बस थू-थू कर जल रही है। दूसरे कैमरे से ली गई इस तस्वीर में आग की भट्टी की तरह बस जल रही है और बस से निकल रहा काला धुआं दिन में अंधेरा कर रहा है। तस्वीरें बनारस की हैं, जहां बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बस में आग लगी नहीं थी, लगाई गई। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जलकर खाक हुई बस के पास पड़े इस पर्चे में लिखा है। पूर्वांचल हो राज्य, काशी हो राजधानी। पैम्फलेट की दूसरी तरफ कलम से लिखा है, पूर्वांचल राज्य की जय हो। आग लगाने की वजह तो थी, लेकिन उससे भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आखिर आग लगाई किसने। ये है वंदना रघुवंशी, जिनका दावा है कि उन्होंने बस में आग लगाई है। खुद को पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की राष्ट्रीय सचिव बताने वाली इस महिला से सुनिए, बस को आग लगाने के लिए क्या किया गया। कैसे आग लगाया आपने, क्या इस्तेमाल किया? मैं पेट्रोल लेके गई। एक आदमी की जान की चिंता आपको नहीं है, जो कि नोटिस देकर के 35 दिन से 36 दिन से अनशन कर रहा है, उसकी जान की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? वो लोहा लक्कड़ की चिंता है, 10 वॉल्वो खड़ी हो जाएगी, अनुज राय हिंदुस्तानी कहाँ से आएगा? 15 अगस्त से संगठन के कार्यकर्ता अनशन पर थे और अब वंदना का दावा है कि सरकार के सामने अपनी बात पहुंचाने के लिए बस में आग लगाई गई। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं गांधीवादी तरीके से लड़ रही थी, भगत सिंह बना दिया इन लोगों ने। जो करना हो वो करे, पूर्वांचल राज्य की मांग है। चश्मदीद के मुताबिक आग लगाने के बाद आरोपी महिला न सिर्फ पर्चे फेंक रही थी, बल्कि पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करने की भी चुनौती दे रही थी। आग लगी, हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए। हाँ। तो एक महिला ने कहा कि जो है कि आग हमने लगाया है और हमारा जो कुछ करना करिए, पुलिस से गिरफ्तार करवाइए।